वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रडार। ओके, तो बेसिकली दो टाइप की एप्लीकेशन होती है, सिविलियन एप्लीकेशन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम सिविलियन एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, रडार अल्टीमीटर्स यूज टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द प्लेन अबव ग्राउंड। ओके, रडार अल्टीमीटर्स का यूज एयरक्राफ्ट में किया जाता है। इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अपना एयरक्राफ्ट ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रडार ब्लाइंड लैंडर फॉर हेल्पिंग एयरक्राफ्ट टू लैंड अंडर पुअर विजिबिलिटी। ओके, इसका क्या मतलब, रडार ब्लाइंड लैंडर की हेल्प से हम एयरक्राफ्ट को पुअर विजिबिलिटी यानी नाइट में या खराब मौसम में भी लैंड करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुलिस रडार्स फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स। ओके, पुलिस रडार, इसको रडार गन भी बोला जाता है, इसकी हेल्प से हम मूविंग व्हीकल की स्पीड पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रडार्स आर यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। बेसिकली डॉपलर रडार यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग मेजर्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज ड्रॉप ऑफ प्रेसिपिटेशन। बारिश की बूंदों की स्पीड मालूम करने के लिए डॉपलर रडार का यूज किया जाता है। ओके, एंड लास्ट सिविलियन एप्लीकेशन देख लेते हैं, एयरबोर्न रडार फॉर सैटेलाइट सर्विलेंस। एयरबोर्न रडार सैटेलाइट सर्विलेंस के लिए यूज होता है। ओके, सैटेलाइट सर्विलेंस मींस सैटेलाइट पे निगरानी रखने के लिए। ओके, कौन सा रडार, एयरबोर्न रडार। इज इट क्लियर। अब मिलिट्री एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला, डिटेक्शन एंड रेंजिंग ऑफ एनिमी टारगेट इवन एट नाइट। इसका क्या मतलब है, रात में एनिमी टारगेट के बारे में पता करने के लिए रडार यूज करते हैं। ओके, एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर वो कितनी दूरी पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए रडार सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, मिलिट्री में। नेक्स्ट देखते हैं, बॉम्बिंग शिप्स एयरक्राफ्ट और सिटीज इवन ड्यूरिंग नाइट। ओके, रात में शिप्स पे, एयरक्राफ्ट्स पे या सिटीज पे अगर बॉम्बिंग करनी है तो हम रडार सिस्टम की हेल्प लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टिंग गाइडेड मिसाइल्स। ओके, गाइडेड मिसाइल्स को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए हम रडार सिस्टम की हेल्प लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एमिंग गन्स एट एयरक्राफ्ट एंड शिप्स यूजेस रडार सिस्टम। ओके, इसमें भी रडार सिस्टम का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली वार्निंग रिगार्डिंग अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट और शिप्स। मान लीजिए कि दुश्मन की तरफ से एयरक्राफ्ट और शिप आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो रडार सिस्टम क्या करेगा, पहले ही आपको वार्निंग दे देगा कि एनिमी टारगेट आ रहा है आपकी तरफ। सो ये क्या था, मिलिट्री एप्लीकेशन एंड सिविलियन एप्लीकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोज़।